पंजाब सरकार द्वारा नशा मुक्त पंजाब बनाने के चलते फिरोजपुर पुलिस व एक्साइज विभाग की टीमों ने अवैध रूप से शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सतलुज दरिया के किनारे छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में लहान और उसे रखने में इस्तेमाल करने वाला सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शराब तस्करों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 25,000 लीटर के करीब लहान, 20 ड्रम, 18 तरपाले और कई शराब निकालने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी बरामद किए हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीएसपी हरजिंदर सिंह ने बताया कि पिंड अली के हजारा सिंह वाला गट्टी राजू की इन्हां पिंडां दे विचकार दरिया सतलुज की एक फांट पैंदी है, जस्ट लाइक टापू, जिहदे विच करीब 200-300 एकड़ जिहड़ी जगह हैगी है खाली है, जिथे लंघ के जाण लई दरिया की फांट क्रॉस करनी पैंदी, पानी वीज की लंघना पैंदा, जो असीं हर 5-6 दिन इत्थे रेड करदे हां ता कि जो ये लुकनगाह बनी है इत्थे कोई एंटी सोशल एलीमेंट कोई पनाह ना लै सके। इस लड़ी तहत अज असीं रेड कीता सीगा एक्साइज डिपार्टमेंट नूं नाल लैके, इत्थों सानूं करीब 20 ड्रम ते 18 तरपाला जिन्हां दे विच लाहन पाई जांदी है वह मिले है। अप्रोक्सीमेट टोटल होगी 25,000 लीटर लाहन जो असीं मुकदमा दर्ज कीते है, ते हुण असीं सोर्स ला के ट्रेस करांगे इहदे क्रिमिनल कीदी कीदी हैगी डिवेलप करके, जो भी क्रिमिनल होणगे उहनां नूं एज पर ला एक्शन लिया जाए, उन्हां दी रिपोर्ट लैके इत्थे डिस्ट्राई हुंदी है, ते इहदा मुकदमा दर्ज करके जिन्हां जिन्हां दी भी होगी उन्हूं ट्रेस करन दी संभव कोशिश कीती जाऊगी, ट्रेस होण ते उन्हां दे खिलाफ चलान दित्ता। फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 89।